जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत आभार। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है हमें इतना प्यार और दुलार प्रदान करने के लिए। अगर आप नए व्यूअर हो, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले कमेंट्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं, लेटेस्ट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुष, आपकी राशि के पुरुष या पुरुष महिलाओं से अपनी पत्नी से अधिकतर क्या बातें छुपाते हैं, कौन सी बातें छुपाते हैं, जिन पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि बहुत से व्यूअर मुझे ये बात पूछते हैं कि क्या पंडित जी क्या छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं। ये जो बेसिक्स हैं, मैं उन सभी पर बात करूँगा। बाकी रही बात और गहरी बात है तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो पहली और मुख्य बात है, पति हमेशा अपनी सैलरी को लेकर अपनी पत्नी से बात छुपाता है। उसे कितने पैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, कितना कैसे कटता है, वो अगर आप पूछेंगे तो बेसिकली यही जवाब देते हैं कि 15-20 हज़ार या 50-60 हज़ार एक जुट एक्चुअल में मिलती है, वो कभी नहीं बताना प्रिफर करते हैं। ये जो मेरा फॉर्मूला है 95% लोगों पर बिल्कुल लागू होता है। 95% लोग ऐसा ही करते हैं, 5% लोग एक अलग विषय है, 5% लोग पर अलग कंडीशन लागू होती है। पति पत्नी दोनों एक ही साथ जॉब में हो, पति पत्नी दोनों एक जॉब में हो, बहुत सी कंडीशन हैं जो मतलब लागू, लेकिन 95% लोगों के साथ यही होता है। आप खुद भी इस बात को महसूस करते होंगे। आप कह देते हो अगर आपको 20,000 रुपये मिलते हो तो आप खुद कह देते हो 15,000 रुपये मिल जाती है, कम बता देते हैं या तो ज़्यादा बता देते हैं, लेकिन जो भी एकदम फिक्स डाटा है वो कभी नहीं बताते। और बहुत से लोगों को फिक्स डाटा होता भी नहीं। देखिए, दूसरा पहलू इसका ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो जिन्हें पता नहीं कि वो कितना कमा जाते हैं, खर्च भी हो जाता है और बहुत सी चीज़ें इसमें लागू होती है। लेकिन अधिकतर बेसिक जो बात है पॉइंट कहने की, कि पुरुष महिला से ये छुपाते हैं कि उन्हें कितने पैसे सैलरी में मिलते हैं, कितने कमाते हैं, और बोलता भी है कि किसी भी लड़की से उसकी उम्र और किसी भी लड़के से उसकी तनख्वाह कभी नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है नशा। आपको अगर पत्नी पूछती है कि आप नशा करते हैं या सिगरेट पीते हैं, ये पीते हैं, वो पीते हैं, तो आप 99% लोग तो मना स्पष्ट रूप से मना करते हैं, लेकिन नहीं, हम ये नहीं, ये बात छुपाते हो। बाकी वास्तविकता उन्हें खुद को पता है कि वो पीते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन ये बात वो छुपाते हैं। जो भी नशा करते हैं वो छुपाते हैं अपनी पत्नी से। पता लग जाता है एक अलग बात है, लेकिन ये वो जब पता लगने के बाद भी अधिकतर यही कोशिश रहती है कि छुपाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ नशा मत करिए, नशा जीवन का नाश है। अपने बच्चों की ओर देखें, अपनी पत्नी की ओर देखें। अगर कोई भी बच्चा वीडियो को देख रहा हो अभी और अगर वो नशा करता है तो प्लीज़ धीरे धीरे कोशिश करें और नशे को छोड़ दें। ना तो इससे किसका भला हुआ है, ना आपका भला होगा, ना किसी का भला होगा। तीसरी बात है जो हमेशा छुपाई जाती है, वो है ऑफिस के कलीग या महिला कलीग, खासकर उनकी बातें या उनसे देखिए दोस्ती का व्यवहार होता है, लेकिन क्या होती है हमारी मानसिकता कि कुछ गलत इम्पैक्ट ना पड़ जाए, कुछ गलत भाव ना आ जाए, इसलिए इन बातों को वो छुपाना प्रिफेयर करते हैं। और जो चौथी बात आप सभी भी जानते हैं कि पुरुष के अवैध संबंध, और मैंने एक स्पेशल इस पर वीडियो बना के रखा है कि जिन भी जातकों के अगर कोई गैर कानूनी या अवैध संबंध हैं वो लोग सतर्क हो जाए। कृपया इस तरह का कभी कोई कृत्य नहीं करना चाहिए, ये क्योंकि जीवन में बहुत बड़ी तबाही ला देता है। मेरे पास हज़ारों फ़ोन कॉल्स आता है कि पंडित जी हमसे ऐसी गलती हो गई, पत्नी छोड़कर चले गई, बच्चे भी चले गए, मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उससे पहले मैं चेतावनी के तौर पे भी आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर कुछ ऐसा अभी भी चल रहा है तो समझ जाइए और दूर हट जाइए, क्योंकि उसके बाद मैं भी आप कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, क्योंकि गलत तो गलत होता है। तो ये बातें हैं जो छुपाते हैं अधिकतर पुरुष। और दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक और साधारण जानकारी आपके लिए दी, मैंने कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी आपको, पहले ही मैं आखिरी में ये बता देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो के बारे में जानकारी जरूर लिखी कि मुझे कैसे लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।